राम का अनूठा भक्त, खबर उज्जैन से आ रही है। राम मंदिर निर्माण की प्रतिज्ञा लेकर 33 वर्षों से नहीं पी चाय। 1992 में कार सेवक के रूप में पहुंचा था अयोध्या। 22 जनवरी को संकल्प पूरा होने पर बाबा महाकाल को भोग लगाकर कार सेवक पिएगा चाय। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग संकल्प लिया था। कई लोग चप्पल जूते छोड़ नंगे पैर घूमते दिखाई दिए तो कई लोगों ने अपने बाल नहीं बनवाए। इसी प्रकार का एक संकल्प उज्जैन के रहने वाले महेंद्र कटियार ने लिया है। दरअसल महेंद्र कटियार वर्ष 1992 में कार सेवक के रूप में अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, जिन्हें अयोध्या पहुंचने के पहले ही रोक दिया गया था। हालांकि बाबरी मस्जिद टूटने के बाद ये वहाँ अयोध्या पहुंचे, जहाँ उन्होंने संकल्प लिया कि वह तब तक चाय नहीं पियेंगे जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता। महेंद्र कटियार का कहना है कि उस दौरान उन्हें चाय सबसे प्रिय थी। अब उनके जीते जी राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, वह अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसे में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय से वे खुद महाकाल मंदिर में चाय का भोग लगाकर फिर से चाय का सेवन शुरू करेंगे। इसी खुशी में गुरुवार को उन्होंने उज्जैन के फ्रिंगस क्षेत्र में लोगों को निःशुल्क चाय वितरित की। यहाँ उन्होंने एक बैनर भी लगाया जिस पर साफ लिखा है कि 33 साल पुराना उनका संकल्प पूरा हुआ, इसलिए वे 22 जनवरी से फिर से चाय शुरू करेंगे। खास बात तो यह है कि ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें चाय की आवश्यकता लगी, बावजूद इसके उन्होंने चाय नहीं पी। ये नहीं दिख रहा राम मंदिर जी, आपने क्या प्रण किया था और किस प्रकार से आज प्रण के लिए क्या किया? आज 22 तारीख के दिन मैंने 33 साल हो गए मैं गया था कार सेवा में, तो फैजाबाद के पहले ही रोक दिया था। उसके बाद भी सोमयोग में गया और भगवान की इसी कृपा रही कि राम का भक्त भगवान महाकाल राम और शिव के एक दूसरे भक्त हैं और इसी कृपा बरसी कि मेरे जीते जी उतना बड़ा मंदिर निर्माण हो रहे हैं। 500 साल पुरानी बात ही है, इस बात को कोई नहीं कहता, पर मैं उस न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता जो राम मंदिर निर्माण के लिए हुआ। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि बाबा महाकाल की कृपा से ये इतना बड़ा काम पूर्ण हुआ। 1992 में क्या प्रण लिया था आपने? मैं जब गया था तो वहाँ कई लोगों ने क्या नाम से कोई ने बाल खोल दिए थे, कोई ने चप्पल, कई साधु संत चप्पल छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा कि अपन चाय का बहुत शौक रखते अपन चाय छोड़ दो, तो चाय छोड़ दी। उसके बाद ही चाय नहीं पी मैंने और ऐसी में कई यात्राओं में गया ठंड में अमरनाथ वगैरह, पर चाय नहीं पी भी मैंने। अब क्या करोगे आप? अब मैं 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल को भोग लगा के चाय पीऊँगा और आनंद लूँगा। आज मेरे जो सब लोगों ने निःशुल्क चाय बांटी, इसका अद्भुत आनंद देखा ही आप लोगों ने। क्या नाम है आपका? महेंद्र कटियार।